नमस्कार। मेरे एक पुराने साथी हैं और उनका एक छोटा सा रिक्वेस्ट था कि नीड्स असेसमेंट के ऊपर कुछ अगर एक छोटा सा वीडियो बन जाए। तो जस्ट आई वांट टू शेयर बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस और जो मैंने अपने करियर में नीड्स असेसमेंट किए हुए हैं। तो बेसिकली नीड्स असेसमेंट हम करते क्यों हैं? तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरत होती है, हम कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई इनिशिएटिव को स्टार्ट करना चाहते हैं, उस इनिशिएटिव की नीड है कि नहीं, एक तो हम शायद इसको जानना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू लॉन्च से लाइक अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर हेल्थ वर्कर्स, जहाँ पे वो डेटा को गैदर कर पाए, पेशेंट्स के डेटा को। सो यू नीड टू नो कि भाई इसकी नीड है कि नहीं लोगों की। एक तो उसके लिए किया जाता है। दूसरा है कि हम नीड्स असेसमेंट तब भी करते हैं जब हमारे पास हो सकता है कोई ऐसा आइडिया है और हमें लगता है कि वी थिंक कि दिस आइडिया विल वर्क विद द कम्युनिटी। सो वी गो टू द कम्युनिटी, डू दिस लाइक विद दैट आइडिया, यू डू द नीड्स असेसमेंट। आइडिया वो कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, आपका कोई एग्जीक्यूशन का मेथड हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एंड देन यू फाइंड कि भाई कम्युनिटी को इसकी नीड है कि नहीं है। तो प्राइमरी इन दो चीज़ों के लिए हम नीड्स असेसमेंट देखते हैं। होता है कि हम कम्युनिटी की नीड के आधार पर कि क्या कम्युनिटी की नीड है उसको जानने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, हमारे पास इफ वी हैव समथिंग वी गो टू द कम्युनिटी एंड फाइंड दैट दिस इज द नीड फॉर द कम्युनिटी और नीड ऑफ द कम्युनिटी और नॉट। अब होता क्या है नीड्स असेसमेंट में, बेसिकली आपको कई सारे प्रोसेसेस होते हैं एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कुड फॉलो अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रोसेस, बट ओवरऑल इफ यू लुक इनटू, मोटा मोटा तीन चीजों को हम नीड्स असेसमेंट में देखते हैं। फर्स्ट थिंग वी लुक इनटू दैट कहीं ना कहीं डायरेक्ट हमारा बेनिफिशियरी के साथ इंट्रैक्शन होना है। सो कम्युनिटी के साथ डायरेक्ट इंट्रैक्शन, उसके लिए यू कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स जो हमने अपने कॉलेजेस या बाकी जगहों पे सीखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मैपिंग हो गया, रिसोर्स मैपिंग हो गया, चपाती डायग्राम हो गया। तो अलग अलग चीजें हम करते हैं। हम एक रैंकिंग करते हैं कि कौन सी नीड पहले है, कौन सी प्रॉब्लम पहले है। एक होता है कॉजल एनालिसिस, होता है जिसमें हम एक के बाद एक सवाल पूछते जाते हैं कि अगर आपको पानी की प्रॉब्लम है तो क्यों है, क्योंकि जो है कुएं नहीं है, कुएं नहीं है तो क्यों नहीं है कुएं, क्योंकि बाकी कुएं सूख गए हैं, बाकी कुएं क्यों सूख गए हैं, क्योंकि जो है जमीन का जो जल स्तर है वो कम है, वो क्यों कम है, क्योंकि पेड़ नहीं है। तो ऐसे कॉजल एनालिसिस करते हैं। तो ये पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल टेक्निक्स होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम एक और चीज का इस्तेमाल करते हैं कि हम फोकस ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, सेट क्वेश्चंस जो होते हैं वो कुछ प्रिपेयर करते हैं, फिर लोगों से पूछते हैं। और जो फोकस ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो भी फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स वन कैन एक्चुअली इनिशिएट नीड्स असेसमेंट। दूसरा, एक जो मैंने अपने कार्यकाल में किया है कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, दैट वी डिड समथिंग कॉल्ड माइक्रो प्लानिंग। माइक्रो प्लानिंग भी ये जो हम पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल जो मेथड्स होते हैं इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। विलेज लेवल पे माइक्रो प्लानिंग करते हैं, जहाँ पे हम वेयर यू इन्वॉल्व कम्युनिटी टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स एंड शेयर द सॉल्यूशंस आल्सो। तो माइक्रो प्लानिंग का कई जगहों पे गाँव में इस्तेमाल होता है, फिर ग्राम सभा में भी जाती है। तो एक तो इसका भी आप इस्तेमाल, इसके माध्यम से भी आप नीड्स असेसमेंट कर सकते हैं। तीसरा जो है तरीका जो नीड्स असेसमेंट का है, वो कई बार होता है कि आप वहाँ पे खुद एज ए यूजर बनते हो उस प्रोडक्ट का, उस सर्विस का, एंड आप उसको यूज करते हो। बेस्ड ऑन दैट आप देखते हो कि भाई ये इसकी रियल नीड है कि नहीं है। तो कई बार होता है कि आप जाते हो गांव में, गो इन अ विलेजेस और इन स्लम्स और सिटीज वेयर एवर, एंड देन यू स्टे देयर, यू एक्सपीरियंस द लाइफ एंड बेस्ड ऑन दैट यू डेवलप द प्रोडक्ट और द सर्विस। तो यू फाइंड कि हाँ देयर इज अ नीड ऑफ दिस एक्स वाई जेड थिंग।
तो ये बेसिकली तीन तरीके हैं एक पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल मेथड्स के माध्यम से वन कैन डू द नीड असेसमेंट. अदर वे इज दैट यू यूज द माइक्रो प्लानिंग एंड थर्ड वे इज दैट यू योर ओन एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज समथिंग व्हिच कैन गिव यू क्लैरिटी ऑन नीड्स असेसमेंट. एक अगर आप देखोगे तो ये जो ओवरऑल नीड्स असेसमेंट का जो तरीका है ये जो आज के समय में हम इस्तेमाल करते हैं डिजाइन थिंकिंग. या आपने बनाया फिर आप कम्युनिटी कोई प्रोडक्ट बनाया एंड देन आप कम्युनिटी के पास गए और यूजर के पास गए और कंज्यूमर के पास गए एंड देन बेस्ड ऑन अ फीडबैक आपने उसमें चेंजेस किए. तो सेम थिंग है उसको जो हम मैंने आपको बताया कि हम जो रूरल अप्रेजल मैथड्स पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल मैथड्स या फिर माइक्रो प्लानिंग के माध्यम से करते हैं सेम थिंग डिजाइन थिंकिंग वाले. तो इसको आप डिजाइन थिंकिंग भी कह सकते हो एक हिस्सा कह सकते हो डिजाइन थिंकिंग का नीड्स असेसमेंट का. अब ध्यान क्या रखना है व्हाट यू नीड टू लुक इनटू व्हेन यू आर डूइंग अ नीड्स असेसमेंट. आप फोर्सफुली कोई चीज तो नहीं लोगों पे की नीड बनाने जा रहे हो. होता है कई बार कि यू यू वांटेड टू क्रिएट अ नीड. सो अभी मोबाइल की नीड नहीं थी बट आपने लोगों के बीच में कहीं ना कहीं उसको जनरेट किया एंड देन पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट. तो थोड़ा इससे बचना चाहिए अगर आप सही चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो स्पेशली इन डेवलपमेंट सेक्टर. ड्यूरिंग नीड्स असेसमेंट इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट यू मस्ट अवॉइड पुटिंग फोर्सफुल नीड लोगों के बीच में जबरदस्ती जाके आप कोई नीड पैदा कर रहे हो. लेट द नीड कम फ्रॉम द कम्युनिटी. इफ द नीड विल नॉट कम फ्रॉम द कम्युनिटी ट्रस्ट मी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कहता है कि कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम और प्रोजेक्ट विल फेल. सो दैट इज वेरी क्लियर. सेकेंड थिंग इज दैट जनरली वेन वी डू अ नीड्स असेसमेंट वी हैव अ प्रोजेक्ट और अ प्रोडक्ट इन माइंड. माई सजेशन इज दैट गो विथ ओपन माइंड बिकॉज टिल द टाइम आपके जो माइंड में प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट रहेगा तो आप उसी पे फोकस रहोगे. आप कहीं ना कहीं से जो है कुछ भी कर लोगे माइक्रो प्लानिंग कर लोगे आप पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल मेथड्स कर लोगे आप कुछ भी कर लोगे कहीं ना कहीं से आप लेकर आप इसी चीज पे लाने की कोशिश करोगे कि जो सॉल्यूशन मेरे पास है वो आपकी नीड है. गो विद ओपन माइंड लिसन केयरफुली लेट पीपल पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइजेस नॉट दैट यू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग. यू माइट प्रोवोक बट वो भी शायद आपको करने की जरूरत नहीं है. इश्यूज निकालने के लिए गिव सम टाइम आप समय दो नीड्स असेसमेंट के लिए नहीं कि आप गए 2 दिन के अंदर अब खत्म करके आ गए. एक अच्छी नीड्स असेसमेंट के लिए छोटे से प्रोग्राम के लिए आई थिंक ये रिक्वायर मिनिमम ऑफ 7 to 10 days वो बहुत जरूरी है तब जाके आप जो है चीजों को कर पाओगे. सो ये आपको बेसिक चीजों का ध्यान रखना है. अब एक आता है कि आपने नीड्स असेसमेंट कर लिया और आपने देखा कि भाई कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड चीजों की नीड है लोगों की. बहुत जरूरी है कि उसके बीच में आपको देखना कि देर इज अ लॉजिक एंड देर इज अ कनेक्शन. आप ऐसा नीड नहीं हो सकता जो कि आपके पास 100 स्कैटर्ड नीड्स होंगी. ठीक है आपको देखना है कि जो 100 नीड्स लोगों की निकल के आई हैं 10 नीड्स निकल कर आई हैं ये नीड्स में कहीं ना कहीं लॉजिकल कनेक्शन है. अगर नहीं है तो पैदा भी मत करो अब वापस जाओ फिर से नीड्स असेसमेंट करो फिर नहीं कनेक्शन समझ में आता है फिर वापस जाओ. बिकॉज किसी भी कम्युनिटी की जो नीड्स होती है कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होती है तो वो इंटरकनेक्टेडनेस यू मस्ट नीड टू फाइंड और वो कहीं ना कहीं आपका वो आपको सॉल्यूशन देगा कि हाँ ये इस कम्युनिटी की नीड है ये इस कम्युनिटी की प्रॉब्लम है इस नीड पे अगर काम किया जाए तो इस प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकता है. तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए एंड आई बिलीव अगर आप सही तरीके से सवाल पूछते हैं सही लोगों से सवाल पूछते हैं अगर आप पुअर एंड मार्जिनाइज के साथ काम करने जा रहे हैं पता चला कि आपने इंटरव्यूज में उनको इंक्लूड ही नहीं किया है आप विमेन के साथ प्रोग्राम करने जा रहे हैं पता चला मैन को आपने इंक्लूड नहीं किया विमेन के साथ प्रोग्राम में
मेन के एंगल को भी जानी है, ये नहीं कि आप सिर्फ विमेन के एंगल को जानिए, या फिर विमेन पे आप विमेन एम्पावरमेंट पे प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो चलो विमेन को इंक्लूड नहीं किया है, आपने मेन को इन्वॉल्व कर लिया है। यू नीड टू सी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को आप कैसे इंक्लूड कर पाओ, और जो मेन बेनिफिशरीज हैं, जो की बेनिफिशरीज आपके होंगे, वो बहुत जरूरी है, उनका इन्वॉल्वमेंट होना और उनके साथ समय बिताना, ताकि आप चीजों को समय के साथ समझ पाओ। आप चुटकी बजाते आप सोचोगे कि यू विल लर्न और यू विल गेट नीड्स असेसमेंट, नहीं। अब एक आखिरी चीज मैं कहूंगा कि अक्सर क्या होता है कि हम बहुत जल्दीबाजी में होते हैं, हमें चीजें खत्म करनी होती है, हमें रिपोर्ट पे काम करना होता है, हमें प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना होता है, ये सेक्टर की रियलिटी है अनफॉर्चुनेटली, और हम कुछ डेटा कुछ फिगर्स के साथ नीड्स पैदा कर देते हैं या जनरेट कर देते हैं, या अपने एज्यूम कर लेते हैं कि ये नीड होगी। प्लीज इसको मत करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फंड्स होते हैं उनका सही इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब सही नीड्स पता चलेंगी। सही नीड्स तब पता चलेगी जब सही प्रॉब्लम्स पे काम होगा। सही प्रॉब्लम्स पे काम तब होगा जब हम सही लोगों से, सही तरीके से और सही समय का इस्तेमाल करते हुए चीजों को जान पाएंगे। सो डेवलप करिए अपने क्वेश्चंस की क्या पूछना चाहते हैं। कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको नहीं पता है कि पार्टिसिपेटरी रूल अप्रेजल मेथड्स क्या है, आप अपने सवाल अपने हिसाब से, आप जा रहे हो प्रोजेक्ट, आपके पास एक मान लो कहीं ना कहीं कोई फंड आया हुआ है कि आपको लाइवलीहुड पर प्रोग्राम जनरेट करना है या डेवलप करना है वेमेन्स के लिए, वेमेन के साथ काम करने के लिए, जाइए आप महिलाओं से पूछिए, कुछ भी पूछिए, बेसिकली सवाल जो बेसिक सवाल है लाइवलीहुड से जुड़े हुए, जैसे कि आप पूछ सकते हैं उनसे कि किस तरह का वो काम कर रही हैं अभी, आगे किस तरह के काम कर सकती है, उनके स्किल सेट क्या क्या हो सकते हैं, वो कौन से ऐसे स्किल सेट्स हैं जिनसे वो जिनका भी इस्तेमाल करती हैं, कौन से ऐसे स्किल सेट है जो सीखना चाहती हैं। पुरुषों से पूछिए कि महिलाओं का खेती बाड़ी में कैसा योगदान है, तो आप जो है तब जाके आप एक और बहुत सारे सवाल रखिए अपने साथ, उन सवालों में भी इंटरकनेक्टेडनेस आप देखिए, देन यू विल बी एबल टू फाइंड कि सही नीड क्या है। सेम अगर आप एल्डरली के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आप तो पहले थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, तो नीड्स असेसमेंट करने से पहले आप ये भी देखिए कि आप पढ़कर जाए, एक लिटरेचर रिव्यू करके जाए, आपके पास पढ़ाई हो, वेमेन एम्पावरमेंट पे प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप वेमेन एम्पावरमेंट से जुड़े हुए प्रोग्राम्स को पढ़िए, वेमेन एम्पावरमेंट से जुड़े हुए लिटरेचर्स को पढ़िए, और उसके बाद जो है आप फील्ड में रखें कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ, लेकिन माइंड आपका ओपन होना चाहिए, यानी कि आपने पढ़ लिया कुछ, एक मॉडल देखा आपने कि एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन ये मॉडल कर रही है, एंड देन आप प्री ऑक्यूपाइड होके जा रहे हो, तो उस प्री ऑक्यूपाइड स्टेटस को जो है, ऑक्यूपाइड स्टेटस को, उसको दूर रखने की जरूरत है, देन आई थिंक आप इजिली नीड्स असेसमेंट कर पाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको लगता है कि मैंने जो नीड्स असेसमेंट किया है वो सही नहीं है, आप सेकंड ओपिनियन लीजिए, थर्ड ओपिनियन लीजिए, जैसे कि हम मेडिकल में करते हैं, हम कई बार अपने अपना इलाज कराते हैं तो किसी डॉक्टर से ओपिनियन लेते हैं, फिर दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन लेते हैं, तो वो एक आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप सही नीड लोगों की आप पहचान पाए हैं, एंड देन आप फिर जो भी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। आई होप ये यूजफुल होगा आपके लिए, और आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं माइक्रो प्लानिंग क्या होता है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल क्या होता है, उसमें सोशल मैपिंग, रिसोर्स मैपिंग क्या होती है, फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या होते हैं, आपको मिल जाएंगे, और इसमें ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, ये सोशल मैपिंग कुछ नहीं, बेसिकली सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है, मैप पे कैसे है, सेटलमेंट्स कैसे हैं, कहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिटी रहती है, रिसोर्स मैपिंग कहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेस हैं, उसको एक मैप पे कम्युनिटी के द्वारा, कम्युनिटी ही बताती है, तो इसको थोड़ा पढ़ लेंगे, इन सबको जान लेंगे, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे पीआरए की जुड़ी हुई, देन आप एक बेहतर नीड्स असेसमेंट कर पाएंगे। याद रखिए, एक खराब नीड्स असेसमेंट कहीं ना कहीं आपके
प्रोजेक्ट फेलियर को गारंटी कर देता है, और जल्दीबाजी में कोई नीड असेसमेंट नहीं होता है। जल्दीबाजी में हम सिर्फ एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।